हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। आज सॉल्व करेंगे सिक्स्थ क्लास का मैथ, उसका चैप्टर वन है नोइंग अवर नंबर्स, और इसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन हम सिक्स करेंगे, और ये स्टार्टअप मैथमेटिक्स की बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सिक्स। पहले मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि क्वेश्चन सिक्स में है क्या। क्वेश्चन सिक्स में है, देयर वॉज ए स्टॉक 2,75,67,890 sacks ऑफ वीट इन अ गोडाउन ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एक FCI है, यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एक गोडाउन है, उसमें गेहूं की सैक्स होती है, बोरियां क्या होती हैं, गेहूं की बोरियां हैं 2,75,76,890। ठीक है, ड्यूरिंग ड्रोट, ड्रोट होता है अकाल, एक अकाल पड़ गया, एंड फ्लड सिचुएशन, और बाढ़ आ गई इन ओडिशा में और असम में रिस्पेक्टिवली, FCI सेंट, उसके दौरान क्या किया, फिर FCI ने गेहूं वहां पे भेजना पड़ा, तो उन्होंने कितना गेहूं भेजा, 87,89,045 बोरियां तो ओडिशा में भेजी, और 96,73,500 बोरियां उसने असम में भेज दी। बताओ अब उसके स्टॉक में कितनी, FCI के स्टॉक में कितनी बोरियां बच गई। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो टोटल सैक्स ऑफ वीट इन गोडाउन, गेहूं के गोदाम में टोटल बोरियां कितनी है, 2,75,67,890। ठीक है, ये टोटल गेहूं की बोरियां हैं गोडाउन में। अब क्या करेंगे, FCI ने उड़ीसा में कितनी भेज दी, FCI सेंट सैक्स इन ओडिशा में भेज दी 87,89,045। ठीक है, अब असम में कितनी भेजी FCI ने, असम में भेजी 96,73,500। अब पहले इन दोनों को करेंगे ऐड, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा, आप ऐड करके देख लेना। ठीक है, ये आ गया FCI सेंट टोटल सैक्स, टोटल बोरिया FCI ने ये सब भेजी हैं। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे करेंगे रिमेनिंग स्टॉक बच गया जो FCI के पास, वो क्या करेंगे, जो टोटल बोरिया थी स्टोर में गोडाउन में, ये टोटल बोरिया थी और इस इतनी बोरिया उसने भेज दी थी, तो इनका क्या करेंगे, इस टोटल में से जो दोनों जगह उड़ीसा और असम में भेजी उनको करेंगे माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 91,05,345 sacks उसके पास। ये देखो मैंने सब्ट्रैक्ट करके भी देख रखा है, ये गोडाउन में बच गई उसके पास, स्टॉक बच गया FCI के पास। ठीक है, ये था क्वेश्चन सिक्स। अब है क्वेश्चन सेवन। क्वेश्चन सेवन में है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, टू नंबर का डिफरेंस दे रखा है 8,67,593। इफ द स्मॉलर नंबर 6,34,289 है, तो बताओ बड़ा नंबर क्या होगा। अब देखो इसको ऐसे समझो, ये तो थोड़ा सा बड़ा नंबर है, अगर इसको मैं आपको एक छोटे नंबर के थ्रू समझाऊं, तो देखो अगर आपके पास, मैं मान लो दो नंबर का डिफरेंस मेरे पास, मैं कहूँ फोर है, दो नंबर का डिफरेंस फोर है, वो कौन से दो नंबर है मुझे नहीं पता। एक नंबर इन्होंने बता रखा कि छोटा नंबर है सिक्स, क्या है, स्मॉलर नंबर है सिक्स, तो बड़ा नंबर बताओ क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हम बड़ा नंबर बताने के लिए इनको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे तो टेन आ गया, यानी वो बड़ा नंबर टेन है। ठीक है, ऐसे ही हमें इस क्वेश्चन को करना है, बस उसमें थोड़ी सी नंबर बड़े हैं, ये छोटा नंबर है, तो इजीली पता लग गया। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि ताकि आपको समझ में आ जाए। डिफरेंस ऑफ नंबर्स ये है, क्या है, 8,67,593, स्मॉलर नंबर 6,34,289, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये ग्रेटर नंबर आ जाएगा। अगर आपको चेक करना है ना, तो आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो फिर से ये आंसर आ जाएगा, आप इसको चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, अब एक कंटेनर है, उसमें 15 लीटर ऑयल है और 345 मिलीलीटर ऑफ ऑयल ड्रेन्ड आउट ऑफ द कंटेनर ड्यू टू द लीकेज, उसमें लीकेज और रखी थी कंटेनर में, यानी कहीं से वो टूटा हुआ था और उसमें से इतना तेल
345 मिलीलीटर तेल बह के बाहर निकल गया। बताओ अब कंटेनर में कितना तेल बचा है? तो क्या करेंगे, कंटेनर में कितना तेल था? 15 लीटर। ऑयल ड्रेन कितना निकल गया बाहर नाली में? कितना चला गया? बह के चला गया, ड्रेन हो गया। 345 345 मिलीलीटर। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये है 15 लीटर, मिलीलीटर कुछ नहीं है, 0 0 लगा देंगे, और ये है 345 मिलीलीटर। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर से इधर कैरी आएगा, इधर से इधर, इधर हो जाएगा 10 10, में से 5 गए 5, यहाँ बच गए 9, 9 में से 4 गए 5, यहाँ बच गए 9, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ बच गया फिर 4, और ये 1 का 1, ये कितना आ गया लेफ्ट ऑयल आ गया कंटेनर में 14 लीटर 655 मिलीलीटर। अंडरस्टूड? अब है क्वेश्चन 9। 9 क्वेश्चन है, एक स्टील की अलमीरा की कीमत दे रखी है 5495, तो हमें बतानी है 345 अलमीरा की कितनी कॉस्ट होगी। कम की दे रखी है, ज्यादा की बतानी है, तो इट मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ वन स्टील अलमीरा है 5495, 35 कॉस्ट ऑफ 35 स्टील अलमीरा की कितनी निकालेंगे, इसको 345 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 18,95,775, ठीक है, ये इसकी कॉस्ट आ गई। था 10 द कॉस्ट ऑफ ए फ्लैट, एक फ्लैट की कीमत है 21,35,690 एक कॉलोनी में। कंपनी ने डिसाइड किया है 18 फ्लैट खरीदने की फॉर इट्स एग्जीक्यूटिव्स इन द कॉलोनी, व्हाट विल बी द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी। अब बताओ कंपनी ने 18 फ्लैट खरीदने के लिए डिसाइड किया है, तो बताओ उसका टोटल खर्चा कितना हो जाएगा कंपनी का, जो वो 18 फ्लैट खरीदे। एक की कीमत दे रखी है, इसमें भी ज्यादा की बतानी है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो वन फ्लैट की दे रखी है ये कीमत, एक्सपेंडिचर 18 फ्लैट के ऊपर कितना खर्चा करेंगे, इसको इससे 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने रुपीज आ जाएंगे, कितने रुपये आ गई है। अब आपको ये फिर से, बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, 3,84,42,420 आंसर आ गया, ठीक है, इतना टोटल खर्चा होगा कंपनी का। अब 11 में है, एक मारुति शोरूम ने सोल्ड किए 456 जैन कार उसके मार्च के महीने में, एट द एक कार की का प्राइस है 3,13,495, व्हाट इज द टोटल सेल ऑफ शोरूम विद रिस्पेक्ट टू जैन कार की, बताओ उसने कितनी सेल की है। तो क्या करेंगे, टोटल जैन कार वर, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एटीक्यू का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने दे रखा कि मार्च के महीने में 456 कार की सेल हुई है, और प्राइस एक जैन कार का प्राइस कितना है, ₹3,13,495। अब हम निकालेंगे प्राइस ऑफ वन जैन कार का इतना है, तो 456 का कितना हो जाएगा, इसको इससे 456 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल सेल ऑफ शोरूम ऑफ जैन कार की ये आ जाएगी, टोटल सेल आ जाएगी जैन कार की, इतने रुपए की उसने सेल की है, ठीक है। अब आते हैं 12 क्वेश्चन, 12 में है, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई 8,355 बाय 89 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 98 बाय हाउ मच वाज हिज आंसर लेस देन द एक्चुअल आंसर। स्टूडेंट मल्टीप्लाई 8,355 बाय 89 से उसने कर दी और करनी थी 98 से, तो बताओ हाउ मच वाज हिज आंसर, उसका आंसर कितना कम आया जो एक्चुअल आंसर आना चाहिए था उससे। तो एक्चुअल आंसर कैसे पता लगेगा, एक बार इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसकी इससे करेंगे, और फिर उसको माइनस कर देंगे। अब पहले 89 से करेंगे तो ये आ जाएगा, आप करके देख लेना, मैंने रफ में पहले कर लिया है, और फिर इस डिजिट को 98 से करेंगे तो फिर ये आ गया, फिर डिफरेंस निकालेंगे, बड़ी डिजिट को ऊपर लिखेंगे, छोटी को नीचे लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो डिफरेंस आ गया 75,195 का, उसका मतलब डिफरेंस रहा इतना, उन्होंने डिफरेंस पूछा है ना एक्चुअल नंबर से, इतना कम है, मतलब ये कम आया, ठीक है। अब है क्वेश्चन 14, वैसे स्टील वायर ऑफ 100 मीटर इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पीस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन पीस। एक कोई वायर है 100 मीटर की, उसके 8 इक्वल टुकड़े करे गए हैं, बताओ एक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी,
एक पीस की लंबाई कितनी है, वो टोटल नहीं, एक पीस की नहीं, जो टोटल पीस है उसकी लंबाई है 100 मीटर। नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं, 8। तो लेंथ ऑफ ईच पीस की लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12.5। तो ये 12.5 मीटर आंसर, ठीक है। अब है क्वेश्चन 14 में है, ए वेसल एज 8 लीटर 280 मिलीलीटर ऑफ कर्ड, एक कोई बर्तन है उसमें इतनी दही आती है, बताओ हाउ मेनी बाउल्स 1 लीटर 35 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन बी फिल्ड। 1 लीटर और 35 मिलीलीटर कैपेसिटी के कितने बाउल भरेंगे उस वेसल में से, कोई बड़ा वेसल है कोई जैसे जार सा, उसके अंदर इतनी दही भरी और उसमें से उन्होंने इतनी इतनी कैपेसिटी के छोटे बाउल भरने, बताओ कितने भरेंगे। तो बिग वेसल में कितनी है, 8 लीटर 280 मिलीलीटर, और ईच बाउल की कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर 35 मिलीलीटर है। अब नंबर ऑफ बाउल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे मिलीलीटर में, इसको 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा मिलीलीटर, ठीक है, 8280 मिलीलीटर। वैसे इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, इसका 1035 मिलीलीटर आ गया। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 8, कितने उसमें भरे जाएंगे बाउल, 8 बाउल भरे जाएंगे उसमें, ठीक है। बाउल ही तो पूछा कितने बाउल भरे जाएंगे, यहाँ आ गया मतलब हाउ मैनी नंबर ऑफ बाउल कितने आ गए, 8, ठीक है, ये 8 आंसर आ गया इसका। अब है क्वेश्चन 15, टू स्टिच ए ट्राउजर, एक ट्राउजर सिलना है, 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लोथ की इज नीडेड, उस ट्राउजर को सिलने के लिए 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत है, 15 मीटर कपड़ा है 15 मीटर, बताओ हाउ मेनी ट्राउजर्स कैन बी स्टिच, उसमें से कितने ट्राउजर सिलेंगे और कितना कपड़ा बच जाएगा। अब देखो क्लॉथ फॉर एक ट्राउजर के लिए चाहिए 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, 130 सेंटीमीटर हो गया, टोटल क्लॉथ कितना 15 मीटर, इसको भी कन्वर्ट कर लिया तो 1500 सेंटीमीटर हो गया। अब टोटल क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर वन ट्राउजर के लिए कितना चाहिए, तो इस इन दोनों को कर देंगे डिवाइड, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 11.53, यानी 11 ट्राउजर तो पूरे पूरे कम्प्लीटली सिल जाएंगे और जो कपड़ा बचेगा वो 53 सेंटीमीटर बचेगा। इसका आंसर पीछे बुक में शायद 70 दे रखा है, बुक में भी कई बार रोंग आंसर हो जाते हैं, आप ये ना सोचे कि बुक में कुछ हो रहा है, बच्चे फिर क्वेश्चन बहुत करते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैं पहले ही बता रही। तो 8 ट्राउजर सिलने के बाद थोड़ा सा कपड़ा बच जाएगा, उसका तो ट्राउजर बनेगा ना, इसलिए वो रिमेनिंग क्लोथ बच गया, अंडरस्टूड। और ये एक्सरसाइज कम्प्लीट हो गई है। प्लीज अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके जरूर बताना एंड फ्रेंड्स के पास शेयर करना। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।